पाँच सेकंड मैं तुम्हें घर छोड़ दे तो कोई मसला थोड़ी है। मम्मी बता रही थी तुमने खाना नहीं खाया। तुमने भी तो नहीं खाया। ले ओ। इसे बेटा एक बात कर, जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है उसके पीछे घर वालों को बुलाए बैठे हो तुम। ऐसी बातें छुपती नहीं है, तुम ही बेवकूफ थे जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसा प्यार भी किसका आपका कम वक्त डर डर के जिंदगी गुजार दे। एक ही प्लेट में खाए? नहीं शादी, तुम्हारी नाराजगी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। समरीन, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। बेहतर होगा ये टॉपिक हम दोबारा डिस्कस ना करें। मैं तुम्हें घर से इस खुशी के लिए लेके आया हूँ जो तुम मुझे दो। जो तुमने हिना के साथ किया है ना मैं भूला हूँ ना मैंने तुम्हें माफ किया। और खुश रहा करो, बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। खाना आप कहाँ जा रहे हो? अबू ऑफिस जाओगे तो मुझे शोरूम पे उतार देना। नहीं नहीं अबू, आप नहीं जा सकते। अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई कि शॉप पे जा सकें आप। क्या मतलब? ठीक हूँ मैं, घर में बैठे बैठे आज ही जा जाऊंगा। तुम फैसला करो, तुम्हें चलता फिरता बाप चाहिए या कोई पड़ा हुआ वजूद? अबू दिस इज नॉट फेयर, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। माहीन कहना वही आपको रोकेगी। माहीन, माहीन इधर आना जरा। क्या हुआ? अब्बू शॉप पर जाने के लिए तैयार है। ये कई दिनों से कोशिश कर रही है मुझे मना करने की। माना कि मैं बदल गया हूं लेकिन अब भी बाप हूं मैं तुम्हारा। ये भी रात भर से मुझे समझाती रही है और रोकती रही है। अब मेरा और अपना वक्त जाया मत करो, चलो जाने दो मुझे। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, जाने दो। ठीक है, ख्याल से जाइएगा और जल्दी आ जाइएगा। तुम शोरूम आओगे तो मैं वापस आऊंगा। और हाँ, याद से माहीन को कॉलेज भी लेके जाना है। ठीक है, चलो चलता माहीन वापस। शाज़े बाहर बैठा इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ बैठी हो। वो मुझे मनाने आया है तो वो खुद ही आए, मैं क्यों जाऊँ बाहर? ना ये कोई तरीका नहीं। गलती से अगर तुम्हें सीधा साधा प्यार करने वाला शौहर मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसकी सादगी का नाजायज फायदा उठाओ। अब अगर मिल ही गया है अम्मी तो क्यों ना उठाऊं उसके प्यार का फायदा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बस। मैं तो अंदर आ सकता हूँ। अरे बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारा अपना घर है, आओ आओ। नहीं आंटी, इन्हें कहेगी तो अंदर आऊंगा। अब आ गए हो तो आ ही जाओ। कदर करो इसकी वरना ना कदरी से हाथ आया हो अभी चला जाता है। आंटी प्लीज, आप हिना को कुछ मत कहिए। अरे
अरे मैंने कहा था इसकी छुट्टी नहीं करवाना उजमा, इतनी मिन्नतें करके प्रिंसिपल से इसका दोबारा एडमिशन करवाया था और देखो इसने आज छुट्टी कर ली। अब बताऊं मैं बाबा को कि आपने छुट्टी क्यों की है? पता है तुम्हें, इसने रट लगा रखी थी कि भाई मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने बाबा को खुदा हाफिज नहीं कह देता। पूछें अब इससे। पापा मम्मी क्या लाएंगे? तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम जो बोलोगे मैं ले आऊंगा, मेरे पास आओ इधर। फटो क्या चाहिए, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? पापा मुझे बैटबॉल चाहिए। बैटबॉल गरम साथ खेलेंगे, ये मजा आएगा जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ, मुझे खुदा हाफिज को। अपना ख्याल रखना, स्कूल जरूर जाना, छुट्टी नहीं करना। ये ले अपना बैग और वहाँ जाके याद रखना और फोन भी करना, ठीक है? याद भी रखूंगा, फोन भी करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमने इसकी छुट्टी नहीं करवानी, स्कूल भेजना है। हाँ ठीक है, खुदाफेस, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। बस बातें हैं तुम्हारी, देख लिया तुम्हारा प्यार मैंने। चलो मैं तुम्हें लेने आया, घर चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। हिना जिद मत करो, प्लीज चलो मेरे साथ। ठीक है, चलती हूँ तुम्हारे साथ घर में, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? क्या बात है, माशाल्लाह है, बड़ी जल्दी सही हो गया, आगे दुकान का काम संभाल ले। तो वो कहाँ, वो तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा भाई, है वो नहीं आया तुम्हारे साथ? वह वो उसे तो बड़ी फिक्र थी भाई अपने बाप की, अब तुम्हें इस लकड़ी के सहारे छोड़ दिया मुझसे लड़ने के लिए। मैं लड़ने नहीं आया रशीद, काम करने आया हूँ। तुम्हारी तरफ आना था मुझे, तुम्हारा शुक्रिया था। रईस अहमद, ये फालिज की वजह से दिमाग की किसी शरियान में कोई खून वून जम गया मेरा ख्याल है। अजीब बैकी बैकी बातें कर रहा भाई। शरियान में खून जमने से फालिज तो हुआ था, लेकिन आंखों की पट्टी खुल गई और उसकी वजह हो तुम। अगर तुम ना होते ना तो सारी जिंदगी मैं ऐसे ही गुजार देता हूँ। नहीं नहीं रही था, मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही भाई, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराओ। मैं डॉक्टर का केस नहीं हूँ सैयद रशीद, और तुम्हें इतना परेशान देख के बड़ी तसल्ली हो रही है कि मार्केट में कोई मेरा खैर खा दिया। मैं और खैर खा? मैं सैयद रईस, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई मुझे। इसे क्या हो गया, तुम्हें तो हथियारी डाल दिया। अच्छा चलो देख लेंगे। परवीन, जी बीबी जी, ये लो। ये क्या है जी? तुमने जितने दिन काम किया है उसकी तनख्वाह है, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। बीबी जी, अगर मेरे से गलती कोई हो गई तो? गलती तुमसे नहीं, इससे हुई है, यहाँ पर वापस आ गए। तुम जाओ। तुम भी सोच रही होगी ना कि मैंने इसे काम से क्यों निकाल दिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। तुम्हारी मुलाजमा थी, रखो निकालो, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भूल है तुम्हारी,
कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वापस सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पर आई हूं ताकि तुम्हारी असल हैसियत तुम्हें याद दिला सके। तुम्हारी इस घर में हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक मुलाजमा की सी है। ये जो शाजिब है ना, मुझसे बहुत प्यार करता है और मैंने यहाँ आने की एक शर्त रखी थी उससे कि मेरे घर के सारे काम तुम करोगे, और वो बेचारा मेरे प्यार में मजबूर होकर ये शर्त मान गया। इसलिए अब जाओ और मेरे लिए अच्छी सी कड़क चाय बनाकर लाओ, जल्दी लाना। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं मैं। समरीन, ना करने का इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास, अब तुम खुद ही सोचो। मैं अगर अपनी ये बात शाहजेब से मनवा सकती हूँ और क्या क्या मनवा लूंगी, इसलिए चुप करके जाओ और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। और हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो वो हर काम करना होगा जो मैंने कहा, याद रखो। तुम यहां कहां जा रही हो? मैं छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। बात सुनो माहिर, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, कोई मसला थोड़ी है। इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। माफ कर देने का हर किसी को मतलब नहीं है कि मैं बड़ी फलतियां दोहराऊं। माहिर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घर ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इस तरह रोड पे चलता हुआ नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते जैन? मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मुझे रोड पे देखकर तुम रुक जाओ। मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ हसब की कुलीग हो, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कुलीग की बहन हूँ। और बहनें अपने भाइयों के कुलीग के साथ इस तरह से गाड़ियों में नहीं बैठा करती। हैरत हो रही ना तुम्हें मेरी बातें सुन। काश ये फैसला मैंने पहले ही ले लिया होता, आज हर चीज़ें मुख्तलिफ होती। बेइज्जती तो उस दिन होगी तेरी, वो पढ़ लिख जाएगी ना तो रईस भाई उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। बल्कि रईस भाई क्या ढूंढ, खुद ही माहिर है इस काम में, ये पढ़ाई के बहाने ढेरों चक्कर चला लेगी। हाय हाय, अरे क्या हो गया हैं? बेड़ा गरक हो जाए, तेरा सामान उड़ा उड़ा के फेंक रहे, क्या आफत आ गई है? दिमाग खराब हो गया है? हाँ हो गया है दिमाग खराब मेरा, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी माहिन ने। आशुकी करने जिस लड़के के चक्कर में उसके बाप ने उसकी घंटी मेरे गले में बांधी थी ना,
उसी लड़के के साथ देखकर आ रहा हूँ, उसे कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। मगर तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है जो तू अपना नुकसान कर रहा है। ऐसे सामान पटकने से क्या जलजला आ जाएगा और उस जलजले के नीचे दबके वो मर जाएगी। हाँ मर जाएगी, नहीं मरेगी ना तो अपने हाथों से मार दूंगा मैं उसे। हाँ अपने हाथों से मार दूंगा मैं, ताकि उसके बाद तू जेल चला जाए, सारी जिंदगी वहीं गुजरेगी फिर तेरी। हाँ गुजर जाए जिंदगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता खाला, लेकिन मैं उसे ना चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा, मार दूंगा उसे मैं। सत्यानाश जाए इस माहीन का, घर से जाके भी नहीं गई वो कम्बख्त। अब क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जो भतीजी है ना, ना वो पहले सुधरी थी ना अब सुधरी है। इतना कुछ हो गया जिंदगी में, मगर उसे ना अपने बाप की इज्जत का ख्याल है ना अपना। देखो जरा कॉलेज पर उस लड़के को बुलाने की क्या जरूरत थी भला उसे। है, लड़का कौन लड़का, आप किसको बुला लिया? अरे वही लड़का जिसकी वजह से शादी छोड़कर भागी थी, और कौन सा लड़का कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं शबन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ना। गुलबानो बिलाल ने अपनी आंखों से देखा है, कॉलेज में बुलाकर लड़के से बात कर रही थी। हाँ भाई समझी, क्या कह रही है ये, तुम्हें तो पता होगा, बताया होगा उसने तुम्हें जैन के बारे में। नहीं वो माहीन ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया, और वैसे भी माहीन ऐसा क्यों करेगी, क्या पता बिलाल ही झूठ बोल रहा। अच्छा बस तुम्हारी बहन सच्ची है और मेरा बिलाल झूठा, देखो अपनी बहन को बचाने के लिए फट से मेरे बिलाल पर इल्जाम रख दिया। समरीन जाओ भाई जाओ, आ गया बुलावा तुम्हारा, जाओ और जाके खिदमत में हाजिर हो जाओ, कोई नया हुक्म होगा तुम्हारे लिए, चलो जाओ। कम्बा अरे ना किसी की तबीयत देखती है, ना दिन ना रात, बस हुक्म अपने कामों के लिए आवाजें देती रहती है। ये बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। हैं? इसकी कहाँ तबीयत खराब थी, मुझे तो बिल्कुल भली चंगी लग रही थी। नहीं नहीं, नहीं। समरीन खैर से उम्मीद से। समरीन उम्मीद से है, अच्छा चलो चाय तो लो। हेलो माहीन, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। प्लीज मेरी बात सुनो माहीन। सुनने लायक अब रहा क्या है जैन, तुम क्यों हम दोनों को मुश्किल में डालने पर तुले हो? वैसे ही बहुत मुश्किलों से अब्बू की नजरों में उठ पाई हूँ मैं, दोबारा से नहीं गिरना चाहती, इसलिए खुदा का वास्ता मुझसे दूर रहो, यहाँ बात का फसाना बनते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करूँगा।